हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है और जेपीएससी ए मेंस के लिए है और यूपीपीएससी के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। कोई भी स्टूडेंट अगर जनरल स्टडीज़ का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है या फिर उसको वीक है, तो अभी एग्ज़ाम आने में, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो 1-2 महीने के बाद ही होगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी बीपीएससी ने तुरंत अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड किया है आज ही के डेट में, तो अपना ये जो जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन है वो आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए और डेली बेसिस पे आप इस वीडियो को देखिए। डेली बेसिस पे देखिएगा तो आपका डेली 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है और इसके साथ साथ बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, तो आने वाले एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ ऑरेंज? ठीक है, संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र जो है वो संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। बात करें अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का, तो महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है वो उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है वो उद्धव ठाकरे हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो इंजीनियरिंग लेवल वाला एग्जाम में गवर्नर से पूछता है। तो गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? तो भगत सिंह कोशियारी जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर है। तो इतना चीज आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, कोशियारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी वही होता है जो मेन जो रिवर होता है उसमें आके मिलता है या फिर उससे निकलता है, तो वो सहायक नदी होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। एक्चुअली क्या है, ब्रह्मपुत्र पूरा भारत में नहीं फैला हुआ है, उसका मैक्सिमम पार्ट भारत से बाहर है, लेकिन कहीं किसी के क्वेश्चन का आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। लेकिन हिमालय जो है, हिमालय के सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा है और भारत के ही बोलते हैं सबसे लंबी नदी गंगा है। जो ब्रह्मपुत्र का लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, जबकि गंगा का जो लंबाई है, गंगा नदी का, वो 2560 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, हिमालय की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा और भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। लेकिन कोई को ऑप्शन में अगर ब्रह्मपुत्र नहीं दिया हुआ है तो आपको गंगा का ऑप्शन टिक करना है और तीस्ता जो है उसका सहायक नदी, और भी बहुत सारा सहायक नदी, मतलब ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। अब ब्रह्मपुत्र को चाइना में सैंगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को चाइना में क्या बोलते हैं? सैंगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको कौन सा नदी बोलते हैं? धियोंग नदी बोलते हैं, DHIONG। और चाइना में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में धियोंग बोलते हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र आसाम में ब्रह्मपुत्रा ही बोलते हैं। ठीक है, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोलते हैं। किसमें? बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ठीक है, बिहार सॉरी भारत में कौन कौन सा बोलते हैं? धियोंग और ब्रह्मपुत्र, ये दो नाम से। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और आसाम में ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना। तो इतना सारा चीज आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो हु वाज द फर्स्ट टू इशू अ क्वाइन नेम्ड रुपीज इन इंडिया? तो शेरशाह सूरी हो जाएगा इसका आंसर, शेरशाह सूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? विच सिटी इज फेमस फॉर ब्रास वेयर? तो मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। मुरादाबाद शहर जो है पीतल का बर्तन, किसी को अगर थोक में लाना रहता है तो मुरादाबाद शहर चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द टॉम्ब ऑफ राजीव गांधी नोन? तो बीरभूमि, राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको बीरभूमि के नाम से जाना जाता है। और जो बीरभूमि है वो दिल्ली के रिंग मार्ग पर आने वाले एक बस स्टॉप भी है। बीरभूमि क्या है? दिल्ली का रिंग मार्ग पर आने वाला एक बस स्टॉप भी है, मतलब बस स्टॉप भी है यहाँ पे बीरभूमि पे ही। तो आपको इतना चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? अब यहाँ पे इसका पहले आंसर हो जाएगा SHFJ Manekshaw। इतना सा है इसका आंसर, SHFJ Manekshaw। ठीक है, तो अब इसका ऐसे पहले तो एक चीज आपको यहां से क्वेश्चन से ये पता से करना पड़ेगा, फील्ड मार्शल किसको बुलाया जाता है? तो आर्मी ऑफिसर को 5-स्टार टाइप का एक रैंक दिया जाता है। ठीक है, इंडियन आर्मी को,
तो उसी के लिए फील्ड मार्शल होता था। फील्ड मार्शल इज ए 5-star जनरल ऑफिसर रैंक एंड द हाईएस्ट अटेनेबल रैंक इन द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में जो हाईएस्ट रैंक प्रोवाइड किया जाता है 5-star रैंक, 5 star जो मिलता है उसी को फील्ड मार्शल बोला जाता है। तो प्रथम जो भारत के फील्ड मार्शल थे वो SHF J मानिकशॉ थे। इनको शॉर्ट में बोलते हैं सैम मानिकशॉ। और ये SHF J मानिकशॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो S का मतलब होता है सैम, SAM सैम होता है, H का मतलब हो जाएगा हॉर्मोसी। खैर ये पूछेगा नहीं आपको, फिर भी आपको हम बता देते हैं हॉर्मोसी इनका नाम ही है बड़ा सा। और F का मतलब होता है फ्रांजी, और J का होता है जमशेद जी, और M का मतलब मानिकशॉ। तो इतना चीज आपको पता होगा, S का मतलब सैम, H का मतलब हरमिनसा हॉर्मोसी, और F का मतलब फ्रांजी, और J का मतलब जमशेद जी, और M तो मानिकशॉ है। तो इतना चीज है, बस सिर्फ आपको मानिकशॉ याद रखिए, इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डो जोन्स कहाँ के शेयर मूल्य सूचकांक है? डो जोन्स, तो वेयर इज द स्टॉक प्राइस इंडेक्स ऑफ डो जोन्स, तो न्यूयॉर्क का, ठीक है, तो न्यूयॉर्क हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेसिड्स ओवर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की रोटी की टोकरी, विश्व का रोटी की टोकरी किस प्रदेश को कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड वर्ल्ड ब्रेड बास्केट, तो प्रेयरी प्रदेश को कहा जाता है। विश्व की रोटी की टोकरी को किस प्रदेश को कहा जाता है? प्रेयरी प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? अंडर वी होम इज द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट, तो गृह मंत्रालय हो जाएगा इसका आंसर, होम मिनिस्ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल स्टेडियम कहां पे स्थित है? वेयर इज द सरदार पटेल स्टेडियम लोकेटेड, तो अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम स्थित है, तो अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात को जीत कर पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया, किसे मिलाया? हु हैज ज्वाइंड गुजरात सल्तनत फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कंकरिंग गुजरात, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर स्थित है? तो ग्वालियर में, ग्वालियर जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, वहां पे रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। तो आप इसका आंसर एमपी मतलब ग्वालियर याद रखेंगे, और ग्वालियर एमपी में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जैसा कि अभी न्यूज में है तो आपको पता ही होगा, शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है, तो आप इसका आंसर शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है वो शिवराज सिंह चौहान। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो गवर्नर होता है, तो लालजी टंडन जो है वो गवर्नर है, तो लालजी टंडन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला, सॉरी ये वाला पहले देख लेते हैं, कैगा आणविक बिजली घर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, तो कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मेजर, तो मदन मोहन मालवीय जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दिल्ली में। वेयर इज द इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर लोकेटेड, तो दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन देशों के बीच संपन्न हुआ? पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन विच कंट्री, तो भारत एवं चीन के बीच में पंचशील समझौता के बीच में संपन्न हुआ पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल बोटैनिक पार्क लोकेटेड, तो लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान स्थित है, लखनऊ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन है? तो राजीव गांधी खेल सम्मान जो है वो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। हु इज द इंडिया बिगेस्ट स्पोर्ट्स ऑनर, तो राजीव गांधी खेल सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक आपने सिविल डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी आप चैनल पे फर्स्ट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड बाय, तो एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, एमाइलेज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का अवशोषण कहां पर होता है? वेयर डज वाटर एब्जॉर्ब, तो जल जो हम लोग पीते हैं उसका अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत में होता है, बिग इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? व्हाट आर द फायर फाइटर्स मेड ऑफ? तो एस्बेस्टस के अग्निशमन वस्त्र बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल जो होता है वायुमंडल में क्यों तैरता है? व्हाई डज अ क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर? तो कम घनत्व के कारण जो होता है, ड्यू टू लो डेंसिटी, बादल जो होता है वो वायुमंडल में तैरते रहता है। आपने देखा होगा, कई बार ऑब्जर्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर कॉमन इन अलगे? शैवाल में किसकी अधिकता होती है? तो क्लोरोफिल की अधिकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? सोल्डर इज ए मिक्सचर ऑफ विच मेटल? तो टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है, सोल्डर जो है वो टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकेम द फिफ्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड? तो भारत जो है वो दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बना गया है, पांचवा, तो भारत हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंट्री बैडमिंटन प्लेयर लिन डैन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? तो चीन देश के जो खिलाड़ी है, बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन, उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में डायरेक्ट आने का चांसेस है, तो आप इसको फॉलो करिए। अभी तक आपने सिविल एंसिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करिए।